हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सपर्ट्स लॉ स्कूल। आई एम सृष्टि। आज के इस इंडियन एविडेंस एक्ट की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 8 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, विच टॉक्स अबाउट द डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल। तो ये दिया हुआ है चैप्टर 8 में सेक्शन 115 से लेके 117 में। 115 में पूरा डिफाइंड है कि क्या मीनिंग होता है एस्टॉपल का, और 116 और 17 इसका स्पेसिफिक एप्लीकेशन दिया हुआ। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि मीनिंग क्या होता है एस्टॉपल का। मीनिंग में हम लोग यहाँ का हिस्ट्री भी देखेंगे कि किस केस से आया है, हाउ इट अप्लाइज टू इंडिया एज वेल एज इन इंग्लैंड। फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पर एसेंशियल्स ऑफ सेक्शन 115, एस्टॉपल के क्या एसेंशियल्स हैं, कब ये अप्लाई होता है वो समझेंगे यहाँ पर। फिर देखेंगे काइंड्स ऑफ एस्टॉपल, देर आर 3 काइंड्स ऑफ एस्टॉपल, उनको डिटेल में समझेंगे कि क्या होते हैं। फिर हम लोग देखेंगे एक्सेप्शंस व्हेन एस्टॉपल डज नॉट अप्लाई। नेक्स्ट देखेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ प्रॉमिसरी एस्टॉपल क्या होता है, इसका मीनिंग समझेंगे, एसेंशियल्स देखेंगे और केसेस भी देखेंगे रिलेटेड। एंड लास्ट में हम लोग 116 और 117 डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ टर्म एस्टॉपल। तो हम लोग समझते हैं मीनिंग ऑफ एस्टॉपल। तो सबसे पहले जो टर्म एस्टॉपल है, इट हैज़ नॉट बीन डिफाइंड एनीवेयर, उसको कहीं डिफाइन नहीं करा गया है। बट इन जनरल द डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल का क्या मतलब होता है, इसका मतलब है कि अ पर्सन वोंट बी अलाउड टू प्लीड कॉन्ट्ररी ऑफ अ फैक्ट और स्टेट ऑफ थिंग विच ही हैज फॉर्मली असर्टेड बाय वर्ड्स और बाय कंडक्ट। इसका मतलब है किसी व्यक्ति ने अपने शब्दों से, लिखित या बोलकर, अपने कंडक्ट से, अपने हाव भाव से, उसने अगर कुछ फैक्ट्स और स्टेट ऑफ थिंग्स के बारे में कहा है, तो एट अ लेटर डेट वो उसके कॉन्ट्ररी में या ऑपोजिट में कुछ नहीं बोल पाएगा, ही विल बी एस्टॉप्ड, उसको रोक दिया जाएगा। तो ये एस्टॉपल का मतलब है। तो पर्सन वोंट बी अलाउड टू से वन थिंग एट वन टाइम एंड दी ऑपोजिट थिंग एट अदर टाइम। एक चीज़ बोल दिया, उसी को मान लिया जाएगा, फिर से आप उसी पर ऑपोजिट चीज़ नहीं बोल सकते। ये एस्टॉपल का डॉक्ट्रिन है, जनरल मीनिंग। तो एस्टॉपल इज अ रूल ऑफ एविडेंस, इट इज़ बेस्ड अपॉन इक्विटी एंड गुड कॉन्शियंस। दूसरी चीज़ है किस मैक्सिम पे बेस्ड है, तो मैक्सिम है एलिजेंस कॉन्ट्रेरिया नॉन एस्ट ऑडेंडुअस। इस मैक्सिम का मतलब होता है पर्सन एलिजिंग कॉन्ट्रेरी फैक्ट शुड नॉट बी हर्ड। जो एक बार पर्सन ने बोल दिया उसी पर उसको डटे रहना है। ही कैन नॉट बी अलाउड टू स्टेट और गो अगेंस्ट व्हाट ही हैज़ फॉर्मली असर्टेड या सेड। जो उसने पहले बार कहा है उसी को माना जाएगा। अगर लेटर डेट पे ही इज़ गोइंग बैक टू व्हाट ही हैज सेड, ही इज़ कंटेंडिंग समथिंग कॉन्ट्ररी टू द फैक्ट और स्टेट ऑफ थिंग्स विच ही हैड फॉर्मली असर्टेड, तो ही विल बी एस्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग दैट फैक्ट। ये होता है। हम लोग ने मीनिंग देख लिया, फिर हम लोग ने मैक्सिम भी देख लिया, ये जान लिया कि इट इज़ बेस्ड ऑन रूल ऑफ एविडेंस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियंस। नेक्स्ट है कि इट इज़ रूल विच वॉज फॉर्मुलेटेड फॉर्मली। सबसे पहले इसको फॉर्मुलेट किया गया था पिकर्ड वर्सेस सीयर्स का केस है, 1837 का ये केस है। तो इस केस से ही एस्टॉपल का रूल एनन्सिएट किया गया, और यही रूल हम लोगों के सेक्शन 115 में इनकॉर्पोरेट किया गया है। तो पिकर्ड वर्सेस सीयर्स का क्या फैक्ट्स था और उसमें क्या कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी, वो हम लोग देख रहे हैं। ये इंग्लैंड का कोर्ट का केस है, और फिर इंडियन लॉ में हम लोग ने इसको कैसे इनकॉर्पोरेट करा है वो समझते हैं। लेट्स लर्न अबाउट डेवलपमेंट ऑफ एस्टॉपल इन इंग्लिश एज वेल एज इन इंडियन लॉ। इंग्लिश लॉ में जो केसेस हैं वो है पिकार्ड वर्सेस सीयर्स और ह्यूजेस वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी, और इंडियन लॉ में जो इम्पोर्टेंट केसेस हैं वो है सुरोजमल एंड अदर्स वर्सेस द गैंजेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, 1880 का ये केस है, और दूसरा है प्रतिमा चौधरी वर्सेस कल्पना मुखर्जी, 2014 का केस है। इंग्लिश लॉ का पहला केस है ह्यूजेस वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी। इस केस में ह्यूजेस ने अपना लैंड लीज पे दिया फॉर रिपेयर वर्क टू बी कंडक्टेड बाय मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी, और ये शर्त रखी कि अगर रेलवे कंपनी समय पे काम नहीं कंप्लीट कर पाएगी तो लीज जो है वो फोरफीट हो जाएगी। द वर्क वॉज नॉट कम्प्लीटेड विद इन द टाइम स्टिपुलेटेड बिटवीन द पार्टीज। कोर्ट ने यहाँ सबसे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल अप्लाई किया और कहा कि द टाइम कैन बी फर्दर एक्सटेंडेड टू कम्प्लीट द वर्क। पिकर्ड वर्सेस सीयर्स 1837 का ये केस है। इस केस में अ पर्सन सोल्ड सर्टेन प्रॉपर्टी प्रिटेंडिंग टू बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, जबकि वो एक्चुअली में ओनर नहीं था।
फर्दर जब वो असल में ओनर बन जाता है बाय सक्सेशन, तो ही सॉट टू सेट असाइड द सेल सेइंग दैट कि जिस समय उसने प्रॉपर्टी बेची थी वो असली में ओनर नहीं था, उसके पास टाइटल नहीं था, इस वजह से वो सेल जो है इनवैलिड हो गया। तो कोर्ट ने अप्लाई किया डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल और कहा कि वो सेल वैलिड होगा बिकॉज जो पहले उसने कहा था, नाउ ही कैन नॉट गो अगेंस्ट दैट स्टेटमेंट। पिकर्स वर्सेस सीयर्स का ही रूल सेक्शन 115 इंडियन एविडेंस एक्ट में इनकॉर्पोरेट किया गया। कोर्ट ने कहा दैट वेयर वन बाय हिज वर्ड्स और कंडक्ट विलफुली कॉजेज अनदर टू बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन स्टेट ऑफ थिंग्स एंड इंड्यूसेस देम टू एक्ट ऑन दैट बिहाफ और ऑल्टर हिज पोजिशन, द फॉर्मर इज प्रिक्लूडेड फ्रॉम अवर्टिंग अगेंस्ट द लैटर अ डिफरेंट स्टेट ऑफ थिंग्स एज एग्जिस्टिंग एट दैट टाइम। तो यही रूल को सेक्शन 115 में हम लोगों ने इनकॉर्पोरेट कर लिया एज द डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल। नाउ लेट्स लर्न अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल इन इंडियन लॉ। सरोजमल एंड अदर्स वर्सेज द गैंजस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 1880 का ये केस है। कलकत्ता हाईकोर्ट डिटरमिंड that this doctrine would also apply to situations where a person can be stopped from performing certain act or depending completely upon particular arguments or claims or contentions. This implies, as laid down in the judgment, that the doctrine of estoppel is not limited to law of evidence. तो इस केस में पहली बार इंडियन कोर्ट्स ने इस्टॉपल के डॉक्ट्रीन को इंडियन लॉ में इनकॉर्पोरेट किया और कहा कि उसका स्कोप इज मच वाइडर एंड इट इज नॉट मियरली अ लॉ ऑफ एविडेंस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस है प्रतिमा चौधरी वर्सेस कल्पना मुखर्जी 2014। सुप्रीम कोर्ट इन दिस केस एक्सप्लेन्ड द रूल ऑफ एस्टॉपल एंड हेल्ड दैट द डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल इज बेस्ड ऑन फेयरनेस। अब हम लोग समझते हैं एस्टॉपल को समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए है और ये बी पार्टी। ए ने बी को रिप्रेजेंटेशन दिया, कुछ मिसप्रेजेंट किया। ए कॉज्ड बी टू बिलीव दैट अ सर्टेन लैंड एक्स बिलोंग्स टू ए। ए ने कहा कि ये जो एक्स लैंड है ये मेरा लैंड है, आई हैव अ टाइटल ऑफ दिस लैंड। बी को उसने रिप्रेजेंटेशन दिया, बी बिलीव दैट फैक्ट, बी ने मान लिया कि हाँ ये जो एक्स लैंड है ये ए का लैंड है। बी एक्टेड अपॉन सच रिप्रेजेंटेशन एंड बी ऑल्टर्ड हिज पोजिशन, ये मानते हुए कि ए का ये लैंड है एक्स, बी ने उसको खरीद लिया, बी ने पैसा दे दिया और इस लैंड को खरीद लिया। एट अ लेटर डेट जब ए को सच में उस चीज़ का टाइटल मिल गया, पहले नहीं था, जब ए को सच में उसका टाइटल मिल गया तो ए पलट गया। उसने कहा कि जिस समय मैंने ये लैंड बेचा था तब तो मेरे पास टाइटल था नहीं, तो जो बी ने लैंड खरीदा है वो सेल इनवैलिड हो गई बिकॉज आई लैक्ड टाइटल एट दैट टाइम। तो ए विल बी एस्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग द फैक्ट विच ही हैड फॉर्मली असर्टेड बाय हिज वर्ड और बाय कंडक्ट। तो ए ने जो पहले बोल दिया था कि उसका ये लैंड है, बी एक्टेड अपॉन सच रिप्रेजेंटेशन एंड ऑल्टर्ड हिज पोजिशन बाय बाइंग दैट लैंड, ही इन्वेस्टेड सर्टन मनी अमाउंट ऑफ मनी इन दैट लैंड। अब ए के पास जब सच में टाइटल आ गया तो ए अब पीछे नहीं हट सकता है, ए को कोर्ट एस्टॉप कर देगी, कहेगी आपने पहले तो ये कहा था, उस पर बी ने अपनी पोजीशन चेंज कर दी, ए विल बी एस्टॉप फ्रॉम डिनाइंग दैट टाइटल नाउ। तो ये हो गया एग्जाम्पल। अब हम लोग समझते हैं एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स। तो हम लोग जानते हैं इंग्रेडिएंट्स ऑफ सेक्शन 115। सबसे पहला इंग्रेडिएंट है रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन मींस हम लोग किसी से कुछ कह रहे हैं और सामने वाला मस्ट बिलीव दैट फैक्ट, तो वो रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। मेरे किसी भी चीज़ कहने से सामने वाला इज एक्टिंग अपॉन दैट थिंग। रिप्रेजेंटेशन मीन्स एनी थिंग विच हैज़ एफेक्ट ऑफ क्रिएटिंग सर्टेन बिलीफ एज टू फैक्ट रिप्रेजेंटेड। एक पर्सन दूसरे पर्सन से जो कहता है, द अदर पर्सन बिलीव्स दैट फैक्ट विच आई एम रिप्रेजेंटिंग हिम। रिप्रेजेंटेशन कौन कर सकता है? तो रिप्रेजेंटेशन पार्टी कर सकती है या वो अपने ऑथराइज्ड एजेंट से करवा सकती है। दूसरी चीज़, रिप्रेजेंटेशन किस तरह से हो सकता है? तो वो किसी एक्ट से हो सकता है, ओमिशन से हो सकता है या डिक्लेरेशन से हो सकता है। किस इवेंट से रिलेटेड हो सकता है? तो रिप्रेजेंटेशन कैन बी रिलेटेड टू इधर एग्जिस्टिंग इवेंट जो अभी प्रेजेंट में है, या किसी पास्ट इवेंट से रिलेटेड भी रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। बट किसी फ्यूचर इवेंट से जो फ्यूचर में होगा, या फिर मियर इंटेंशन कि हम फ्यूचर में आई इंटेंड टू डू समथिंग, उस चीज़ से रिलेटेड रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकता।
तीसरी चीज, इट इज ऑल्सो नेसेसरी कि जिसको हम अपने फैक्ट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो सामने वाला मस्ट बिलीव देम. जैसे मैंने किसी को कुछ रिप्रेजेंट किया एंड द अदर पर्सन डज नॉट बिलीव इट, या फिर मेरा रिप्रेजेंटेशन उसको, उसने बिलीव तो कर दिया बट बाद में उसको उसकी सच्चाई पता चल गई कि मेरे रिप्रेजेंटेटेड जो फैक्ट्स थे वो गलत थे, एंड तब भी उसने मेरे फैक्ट्स पे एक्ट किया, तब रिप्रेजेंटेशन नहीं माना जाएगा. तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मेरे रिप्रेजेंटेशन में सामने वाला मस्ट बिलीव दैट फैक्ट, एंड उसके बिलीव पे वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है. अगर उसको एक्ट करने से पहले ही पता था कि आई एम लाइंग या फिर मेरा रिप्रेजेंटेशन फॉल्स है और फिर भी वो उस पर कार्य करता है, तो वहाँ पर उसको एस्टॉपिल का जो वो डॉक्ट्रिन का बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा. तो आप लोग जान गए कि रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है. पार्टी कर सकती है, अपने एजेंट से करवा सकती है, एक्ट डिक्लेरेशन ओमिशन के द्वारा हो सकता है, इट मस्ट रिलेट टू एग्जिस्टिंग फैक्ट और पास्ट इवेंट, बट फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, क्या होगा, उससे रिलेटेड नहीं हो सकता. और दूसरा है कि रिप्रेजेंटेड जो फैक्ट्स हैं वो सामने वाला उस पर बिलीव करना चाहिए, उसको विश्वास होना चाहिए. दूसरा एसेंशियल क्या है, पार्टी मस्ट एक्ट अपॉन द रिप्रेजेंटेशन. तो जो मैंने रिप्रेजेंटेशन किया है, द पर्सन मस्ट एक्ट अपॉन इट, मतलब मेरे रिप्रेजेंटेशन को बिलीव करते हुए दूसरे पर्सन ने उस पर कार्य किया, उसको बिलीव करते हुए उसने अपनी पोजीशन चेंज की. तो रिप्रेजेंटेशन शुड बी मेड विद एन इंटेंशन टू कॉज बिलीफ इन अनदर पर्सन, दूसरा पर्सन उसको बिलीव कर रहा है. इफ़ इट इज़ मेड इनोसेंटली और बाय मिस्टेक, देन इट कैन ऑल्सो ऑपरेट एज एस्टॉपल. तो हमने रिप्रेजेंटेशन किया और सामने वाले पे ने उस रिप्रेजेंटेशन पे विश्वास करके अपनी पोजीशन को चेंज कर दिया, उस पर एक्ट किया, उसने उस पर कोई कार्य किया. अगर हमने रिप्रेजेंटेशन मिस्टेक से भी किया है या हमने इनोसेंटली किया है पर सामने वाले ने उस पर उसी तरह से एक्ट किया जैसे हम चाहते थे, तब भी वो एस्टॉपल हो जाएगा. तीसरा एसेंशियल है, द अदर पर्सन मस्ट हैव ऑल्टर्ड हिज पोजीशन. तो मेरे रिप्रेजेंटेशन पे पर्सन ने एक्ट किया और उसने अपनी पोजीशन चेंज कर दी इस चीज़ को बिलीव करते हुए. तो उसने बिलीव कर लिया कि आई एम, जो मैंने कहा वो सब ट्रू है, एंड ही ऑल्टर्ड हिज पोजीशन टू हिज प्रेजुडिस. प्रेजुडिस मतलब उसको उससे हानि लाभ हो सकता है जो उसने अपनी पोजीशन ऑल्टर की है. तो ये हम लोगों ने देखा कि एसेंशियल्स तीन हैं. पहला है कि देयर मस्ट बी रिप्रेजेंटेशन, दूसरा है रिप्रेजेंटेशन इज मेड विद एन इंटेंशन टू बी एक्टेड अपॉन, तीसरा है द पर्सन मस्ट हैव, अदर पार्टी जो है मस्ट हैव ऑल्टर्ड हिज पोजीशन ऑन द बेसिस ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन टू हिज प्रेजुडिस और डेट्रिमेंट. तो हम लोग समझते हैं काइंड्स ऑफ एस्टॉपल. एस्टॉपल ब्रॉडली थ्री कैटेगरीज में डिवाइडेड. पहला है एस्टॉपल बाय रिकॉर्ड, जिसको कहते हैं एस्टॉपल बाय जजमेंट भी. दूसरा है एस्टॉपल बाय डीड, और तीसरा है एस्टॉपल बाय कंडक्ट और एस्टॉपल बाय मैटर इन पास. तो ये जो दोनों है वो इंडियन लॉ में अप्लाई करते हैं, बट ये जो बीच वाला है एस्टॉपल बाय डीड, इट इज़ अ रूल ऑफ इंग्लिश लॉ एंड इट इज़ नॉट एप्लीकेबल इन इंडिया. सबसे पहले एस्टॉपल बाय रिकॉर्ड. एस्टॉपल बाय रिकॉर्ड, जिसको एस्टॉपल बाय जजमेंट भी कहते हैं, इट मींस दैट द रिजल्ट्स ऑफ फाइनल जजमेंट और डिसीजन ऑफ अ कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑपरेट एज एस्टॉपल. इसका मतलब है कि अगर कोई भी कॉम्पिटेंट कोर्ट कोई भी जजमेंट दे रही है या डिसीजन दे रही है, इट विल ऑपरेट एज एस्टॉपल. और जो पार्टीज़ हैं, एक बार वो जजमेंट आ जाता है तो फिर से सेम केसेस सेम फैक्ट्स में सेम पार्टीज़ नहीं ला सकती हैं. ये जो है मैटर एनन्सिएटेड है सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी, रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल है. और हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट में भी देखें तो सेक्शन 40 दिया हुआ है कि व्हेन प्रीवियस जजमेंट ऑपरेट एज एस्टॉपल. तो ये है कि अगर कोई भी फाइनल जजमेंट डिसीजन कॉम्पिटेंट कोर्ट दे देती है तो इट विल ऑपरेट एस्टॉपल, इट पार्टीज वुड बी एस्टॉप फ्रॉम डिनाइंग द वैलिडिटी ऑफ दैट जजमेंट, और फिर से वो सेम फैक्ट्स पे सेम पार्टीज केस नहीं ला पाएंगे. तो ये एस्टॉपल बाय रिकॉर्ड. दूसरा है एस्टॉपल बाय डीड, इट इज़ अ रूल ऑफ इंग्लिश लॉ, ये इंग्लिश लॉ में अप्लाई करता है. इसमें होता है कि अगर पार्टीज ने कोई डीड बनाई है, कोई डॉक्यूमेंट है, उसमें वो लोग एंटर किया है उन लोगों ने, इट इज़ फॉर्मली एग्जीक्यूटेड एंड सील्ड बाय द पार्टीज, तो उसमें जो भी लिखा हुआ है पार्टीज उस पर बाउंड रहेंगी. एट अ लेटर डेट वो लोग आके ये नहीं कह सकते कि उस डीड में जो लिखा है वो गलत है. दे विल नॉट बी अलाउड टू अलेज कॉन्ट्ररी ऑफ अ फैक्ट वंस इट इज़ फॉर्मली एग्जीक्यूटेड एंड सील्ड इन अ डीड. तो इसमें कहा गया है कि द पार्टीज टू अ फॉर्मली एग्जीक्यूटेड एंड सेल डीड आर प्रिक्लूडेड फ्रॉम डिनाइंग इट्स फोर्स और इफेक्ट बाय एविडेंस विच इज़ लेस फॉर्मल. तो एक बार उन लोगों ने डीड बना दी, उसमें जो भी फैक्ट्स लिखे हैं वो उस पर बाउंड रहेंगे. एट अ लेटर डेट वो लोग किसी लेस फॉर्मल एविडेंस, ये एकदम फॉर्मल हो गया,
एकदम अच्छे से इसको एग्जीक्यूट सील कर दिया पार्टी ने, तो मान लिया जाएगा कि दे विल बी, जो उसमें कहा गया है उसमें सच लिखा है। एट अ लेटर डेट वो लोग आके ये नहीं कंटेंट कर सकते कि नहीं इसमें ये गलत लिखा हुआ था, ऐसा नहीं था, वो एस्टॉप्ड हो जाएंगे बाय दिस रूल ऑफ एस्टॉपल बाय डी। लास्ट है एस्टॉपल बाय कंडक्ट, इसको ये भी कहते हैं एस्टॉपल बाय मैटर इन पायस। इन पायस का मतलब है बिफोर पब्लिक, इसका मतलब जनरली है कि पर्सन विल बी एस्टॉप्ड बाय हिज कंडक्ट, वो क्या कर रहा है किसी अपने एक्ट डिक्लेरेशन ओमिशन में जो भी वो करता है कहता है उससे वो एस्टॉप्ड हो जाएगा। द पर्सन टेक्स अ पर्टिकुलर पोजिशन बाय हिज कंडक्ट, अपने हाव भाव से इसने जो भी किया ही टेक्स अ पर्टिकुलर पोजिशन ऑन द बेसिस ऑफ दैट He would be bound by it and cannot go against it. यही जो doctrine है it is incorporated under section 115. तो 115 में यही कहा गया कि किसी act, declaration, omission से अगर कोई person दूसरे को representation देता है, person दूसरा person acts on that representation, he alters his position to his prejudice, तो the person would be bound by it and he cannot go against it. यही estoppel by conduct या estoppel as to matter in pious का जो concept है वो section 115 में हम लोग ने इनकॉर्पोरेट किया है। तो ये हम लोग ने देख लिया थ्री काइंड्स ऑफ एस्टॉपल। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट थिंग। नाउ लेट्स लर्न अबाउट एक्सेप्शंस टू द रूल ऑफ एस्टॉपल और केसेस वेयर एस्टॉपल डज नॉट अप्लाई। पहला है एस्टॉपल क्रिमिनल केसेस में या क्वाजाई क्रिमिनल केसेस पे नहीं अप्लाई होगा। सेकेंड है नो एस्टॉपल अगेंस्ट एनी स्टैट्यूट सॉवरन एक्ट और पॉइंट ऑफ लॉ। नो एस्टॉपल इज अप्लाइड व्हेन द ट्रूथ ऑफ फैक्ट इज नोन टू बोथ द पार्टीज। नेक्स्ट है एस्टॉपल कैन नॉट बी यूज अगेंस्ट अ माइनर। नो एस्टॉपल वेयर फ्रॉड और नेग्लिजेंस एग्जिस्ट ऑन द पार्ट ऑफ द पार्टी प्लीडिंग द सेम। एंड लास्ट इज नो एस्टॉपल अप्लाइज अगेंस्ट अनलॉफुल ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। तो ये केसेस हैं जहाँ पर एस्टॉपल का रूल अप्लाई नहीं होता है। अब हम लोग समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोमिसरी एस्टॉपल। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोमिसरी एस्टॉपल क्या है, इसका क्या पर्पस था, क्या रीजन है, क्या एसेंशियल केसेस यहाँ हम लोग समझने वाले। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोमिसरी एस्टॉपल जिसको न्यू एस्टॉपल या क्वाजाई एस्टॉपल भी कहते हैं, इट वॉज इवॉल्व्ड बाय द इक्विटी टू अवॉइड इनजस्टिस। इक्विटी इसको लाई है कि हम लोग इनजस्टिस को अवॉइड कर सके। क्या रीजन है इस डॉक्ट्रिन को, पहले से एस्टॉपल वाला जब डॉक्ट्रिन हम लोग निकाल चुके हैं तो ये प्रोमिसरी एस्टॉपल को इनन्सिएट करने का क्या पर्पस है, क्या रीज़न है। तो जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोमिसरी एस्टॉपल है इसको इसलिए लाया गया है क्योंकि सेक्शन 115 जो हम लोग ने पढ़ा उसमें लिखा हुआ है कि रिप्रेजेंटेशन जो हम लोग दे रहे हैं किसी फैक्ट का, दैट फैक्ट मस्ट बी एग्जिस्टिंग इन नेचर। वो प्रेजेंट फैक्ट होना चाहिए, पास्ट भी हो सकता है, बट इट कैन नॉट बी एनीथिंग टू बी डन इन फ्यूचर। 115 में दिखाया हुआ है कि उसमें ये नहीं हो सकता कि मेयर इंटेंशन ऑफ डूइंग समथिंग इन फ्यूचर, वो वहाँ पर कवर नहीं किया गया। वहाँ सिर्फ एग्जिस्टिंग या फिर पास्ट इवेंट्स पर ही हम लोग फोकस करते हैं। फ्यूचर इवेंट के लिए अगर कोई रिप्रेजेंटेशन किया गया है तो वहाँ पर एस्टॉपल का जो 115 में डॉक्ट्रिन है वो अप्लाई नहीं करता। इसी वॉइड को फिल करने के लिए इक्विटी कोर्ट्स ने प्रोमिसरी एस्टॉपल का डॉक्ट्रिन लाया है कि अगर कोई पर्सन किसी को प्रॉमिस करता है रिलेटेड टू सर्टेन थिंग विच इज़ टू बी डन इन फ्यूचर, तो उसमें प्रोमिसरी एस्टॉपल अप्लाई हो जाता है। नेक्स्ट थिंग, प्रोमिसरी एस्टॉपल इज एन एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ कंसिडरेशन। डॉक्ट्रिन ऑफ कंसिडरेशन मतलब कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग देखा है कि कंसिडरेशन ज़रूरी होता है कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। कोई भी एग्रीमेंट कर रहे हैं तो पार्टीज़ के बीच में कंसिडरेशन दोनों तरफ से फ्लो होना चाहिए। तो इट इज़ एन एक्सेप्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ कंसिडरेशन। अब मतलब समझते हैं जो यहाँ पर है। पहला है कि द पार्टीज एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। दो पार्टीज थी, उन लोगों ने एंटर करा एग्रीमेंट में। एग्रीमेंट में क्यों एंटर करते हैं, टू क्रिएट सर्टेन लीगल रिलेशनशिप उसमें। एंड इन द परजुएंस ऑफ दिस वन पार्टी प्रोमिसज समथिंग टू अदर। तो ये दो पार्टी हैं, इन लोगों ने एग्रीमेंट किया टू एंटर इनटू लीगल रिलेशनशिप। एक पार्टी ने दूसरे से प्रोमिस किया टू डू समथिंग इन फ्यूचर। तो प्रोमिस किया ऑफ समथिंग टू बी डन इन फ्यूचर, ठीक है, प्रोमिसरी एस्टॉपल तो प्रोमिस भी आ गया और समथिंग मस्ट बी डन इन फ्यूचर। उस प्रोमिस को बिलीव करते हुए जो दूसरी पार्टी थी उसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। इस डॉक्ट्रिन को अप्लाई करते हुए कोर्ट्स विल ट्रीट दैट प्रोमिस एज बाइंडिंग बिटवीन द पार्टीज इवन दो इट मे नॉट बी सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन। तो ये है प्रोमिसरी एस्टॉपल। सबसे पहले इसको इसलिए लाया गया है क्योंकि 115 में एग्जिस्टिंग या
पास्ट इवेंट्स ही कवर्ड थे, फ्यूचर इवेंट्स नहीं कवर्ड थे। इसी वजह से अगर कोई फ्यूचर प्रॉमिस किया गया है कुछ फ्यूचर में करने का, एंड इवन दो इट मे नॉट बी सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन डायरेक्टली, तो जो इक्विटी कोट्स थी ऐसे में जो पर्सन ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है उसको मदद करती हैं टू अवॉइड इनजस्टिस। तो ये हो गया मतलब कि प्रॉमिसरी एस्टॉपल क्या होता है। अब इसका एसेंशियल्स देखते हैं और केसेस समझते हैं। एसेंशियल्स ऑफ प्रॉमिसरी एस्टॉपल हम लोग समझते हैं। पहला है कि कोई रिप्रेजेंटेशन या प्रॉमिस होना चाहिए विद रिगार्ड टू समथिंग टू बी डन इन फ्यूचर। दूसरा है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉमिस वॉज इंटेंडेड टू अफेक्ट द लीगल रिलेशंस ऑफ द पार्टी एंड टू बी एक्टेड अपॉन। और दूसरा है उस प्रॉमिस से प्रॉमिसी शुड हैव चेंज्ड और ऑल्टर्ड हिज पोजिशन इन रिलायंस ऑफ दैट प्रॉमिस। लीडिंग जजमेंट जो है प्रॉमिसरी एस्टॉपल से रिलेटेड, केस का नाम है मोतीलाल पद्मापत शुगर मिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1979 का ये केस है। इस केस में चीफ सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ने एक अश्योरेंस किया कि जो भी अपनी इंडस्ट्री को फर्मली इस्टेब्लिश कर देता है उसको नए इंडस्ट्रियल यूनिट्स को टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगा 3 साल तक। रिलाइंग ऑन द अश्योरेंस और द प्रॉमिस मेड बाय द गवर्नमेंट, मोतीलाल पद्मापत शुगर मिल्स वालों ने ह्यूज अमाउंट ऑफ लोन ले लिया बैंक से टू इस्टेब्लिश देयर हाइड्रो जनरेशन पावर प्लांट, बट गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी टैक्स को लेकर अब चेंज कर दी। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉमिसरी एस्टॉपल का डॉक्ट्रिन लगाया और कहा कि द अपीलेंट टुक अ ह्यूज अमाउंट ऑफ लोन रिलाइंग ऑन द अश्योरेंस मेड बाय द गवर्नमेंट, सो नो टैक्स शुड बी इम्पोज्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ द प्रोडक्शन एज द प्रॉमिस वॉज मेड। तो कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि अपीलेंट ने रिलाइंग ऑन गवर्नमेंट्स प्रॉमिस ऑफ टैक्स एग्जेम्पशन फॉर 3 years, ये विश्वास करते हुए अपीलेंट ने ह्यूज अमाउंट ऑफ लोन ले लिया अपनी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करने के लिए, इसी वजह से गवर्नमेंट वॉज एस्टॉप्ड फ्रॉम गोइंग बैक टू इट्स स्टेटमेंट। और गवर्नमेंट को कोर्ट ने डायरेक्ट करा कि 3 साल का जो टैक्स एग्जेम्पशन है वो अभी भी अपीलेंट को मिलता रहेगा एज ही हैज़ ऑल्टर्ड हिज पोजिशन टू हिज प्रेजुडिस। अब हम लोग देखते हैं सेक्शन 116। सेक्शन 116 बात करता है एस्टॉपल बिटवीन टीनेंट एंड हिज लैंडलॉर्ड, लाइसेंसी और लाइसेंसर के बीच में। तो इन दोनों के बीच में एस्टॉपल कैसे अप्लाई करेगा। सेक्शन 116 स्टेट्स दैट अ टीनेंट और लाइसेंसी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन नॉट डिस्प्यूट द टाइटल ऑफ हिज लैंडलॉर्ड और लाइसेंसर ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ टेनेंसी। तो जब तक टेनेंसी चल रही है तब तक टीनेंट या फिर जो लाइसेंसी है वो ये नहीं कह सकता है कि लैंडलॉर्ड उस जगह का मालिक नहीं है या फिर लाइसेंसर को राइट नहीं है लाइसेंस देने का। इन केस ऑफ टेनेंसी द एस्टॉपल कंटिन्यूज ड्यूरिंग कंटिन्यूएंस ऑफ टेनेंसी एंड द टीनेंट कैन क्वेश्चन द टाइटल ऑन एक्सपायरी ऑफ टेनेंसी। तो एक्सपायरी जब हो जाएगी, टेनेंसी जब खत्म हो जाएगी, तब वो कह सकता है कि लैंडलॉर्ड के पास टाइटल नहीं है, बट ड्यूरिंग कंटिन्यूएंस ऑफ टेनेंसी ही कैन नॉट कंटेंट सो। सिमिलरली एनी पर्सन हु कम अपॉन एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय वे ऑफ लाइसेंस शैल नॉट बी परमिटेड टू डिनाई द टाइटल ऑफ लाइसेंसर एट द टाइम वेन सच लाइसेंस वॉज गिवन अनलेस सच रिलेशनशिप सीज टू एग्जिस्ट। तो लाइसेंस में भी यही रूल अप्लाई होता है। अब सेक्शन 117 डिस्कस करते हैं। सेक्शन 117 स्टेट्स दैट द एक्सेप्टर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैन नॉट डिनाई द अथॉरिटी ऑफ पर्सन हु इज सपोज टू ड्रॉ द बिल फ्रॉम ड्रॉइंग इट और एंडोर्सिंग इट। तो जो एक्सेप्ट कर रहा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज वो ये नहीं डिनाई कर सकता है कि जिस पर्सन ने वो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया है उसके पास अथॉरिटी नहीं है। सिमिलरली बेली और लाइसेंसी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट दैट एट द टाइम वेन द बेलमेंट और लाइसेंस बिगेन द बेलर और लाइसेंसर हैड नो अथॉरिटी। तो बेली या लाइसेंसी ये नहीं कह सकते हैं कि बेलर और लाइसेंसर के पास जब बेलमेंट या लाइसेंस शुरू हुआ था उनके पास अथॉरिटी नहीं थी। तो उनकी अथॉरिटी को बेली और लाइसेंसी डिनाई नहीं कर सकते हैं। ये सेक्शन 117 में दिया हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोगों ने पढ़ा एस्टॉपल का डॉक्ट्रिन क्या होता है, मतलब समझा, 115 से 116 समझा। We understood the essentials of estoppel, kinds of estoppel, exceptions देखा कि कब estoppel apply नहीं होता, promissory estoppel भी समझा। I will see you again in next class with another topic related to law and thank you so much for watching.